दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि जीवन की रक्षा प्रथम उद्देश्य है, जान है तो जहान है, इसलिए त्योहारों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाए और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि गाइडलाइन में प्रतिबंध के साथ त्योहार मनाने की छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी दशा में सड़क, चौराहा एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। मूर्तियों की स्थापना खाली स्थान पर की जाएगी और प्रतिमा का आकार छोटा होना चाहिए। मूर्ति स्थापना करने जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक आदि पर नहीं होगा, बल्कि छोटे गाड़ियों का प्रयोग किया जाए और भीड़ ना हो, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, विद्युत जलापूर्ति अनवरत बनाए रखने तथा जर्जर ढीले तार एवं पोल को प्रमुखता के आधार पर ठीक करने के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने कहा कि जनता की सकुशलता के लिए पुलिस निरंतर तत्पर है। शासन द्वारा प्रतिबंध के साथ त्योहार मनाने की छूट दी गई है, उसका अनुपालन किया जाए। सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आरके श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसडीएम, सीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य व दुर्गा पूजा के आयोजक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, उनके बारे में क्या डायरेक्शंस है, इसके अलावा अगर कोई आयोजन होता है सामूहिक आयोजन तो उसमें कितने लोगों की एंट्री अनुमान्य है, फर्स्ट एक्शन देंगे, इसके अलावा जो भी आयोजन होंगे उसके लिए आयोजन है नहीं, ये सब चीजों के संबंध में बात होगी। इसके अलावा और तरीके ये सुनिश्चित किया जाएगा, पोस्टर से जो सरकार द्वारा समय समय जारी किए जाते हैं या जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं, इसके अलावा किस तरह के वाहन का उपयोग होगा, इन सब के संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई। त्योहार से ज्यादा जरूरी मानव की जीवन है और वो जीवन छोटी सी गलती के कारण, किसी बीमारी से संक्रमण के कारण, जो महामारी के रूप में SARS-CoV-2 के नाम से या कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया में फैला है, ये वायरस नवंबर और दिसंबर में अपने चरम में पहुंचेगा। ये वायरस नवंबर दिसंबर में अपने चरम पे पहुंचेगा, WHO की रिपोर्ट है और डीएम सर ने अभी हम लोगों को संज्ञानित किया है कि ये ब्रिटेन में, स्पेन में और कई कंट्रीज में अब तक की सीमाओं को लांघ कर हाई जंप, हाई स्पीड पे पहुंच चुका है। तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत अधिक होने के कारण ये भी अपनी पीक को छुएगा। कितने सीमित संसाधनों में कोविड पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। 2-3 पेशेंट की जान प्रतिदिन हम लोग बचाने में असमर्थ है। विश्व की मशहूर दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी हम लोग को जान बचाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट साहब खुद ही 25 दिन तक क्वारंटाइन रह के BRD में एडमिट हो गए, इस विश्व के सबसे बड़े एनिमी को हरा के आए हैं, उनका स्वागत है, मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। बीमार हुए आप सब, अपने घर में बैठ के बीमार नहीं हुए, पब्लिक सेवा में बीमार हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए और सक्सेसफुली बैरियर पे ड्यूटी रात दिन देने के लिए खड़े हुए और आपको समझाने के लिए भी मास्क लगा के चलाओ, वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। त्योहार हर वर्ष आएगा लेकिन जीवन हर वर्ष नहीं आएगा, खुशियाँ मनाइए लेकिन सीमित शादी स्थल है, जुलूस है, आप स्कैन करेंगे और जिसका टेम्परेचर नॉर्मल से अबव 90 डिग्री से ऊपर, उस व्यक्ति से अनुरोध करने में हाथ जोड़ते कि कृपया आप इस आयोजन में शामिल ना हो। सभी दुर्गा पंडालों में, सभी आयोजन मूर्ति स्थलों पर आपको एक आइसोलेशन रूम बनाना है, ये निर्देश है चीफ सेक्रेटरी साहब के। ऐसा कोई पेशेंट जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है,
ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन रूम में आप बिठाएंगे, वहां से जाके एम्बुलेंस और पुलिस और रेमडेसिविर का प्रशासन उस पेशेंट को सुरक्षित आइसोलेशन में या उसकी कंडीशन जैसी भी हो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा। संविधानों के तहत जो सरकार की गाइडलाइन जारी है उसी के तहत अपना त्यौहार मनाए जिससे आप इस महामारी से बचाव कर सकें। धन्यवाद। इसको एक बार बात करा लेना, हिंदू चाहिए मुसलमान चाहिए करते रहे। तो जगह कौन सी जगह है उसका अनुमति ले लीजिए एडीएम साहब से और सिटी मजिस्ट्रेट जी। बिना अनुमति के इस बार तो कोई आगू नहीं करेंगे, एक मामूली समय नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो ये नहीं तो इस मीटिंग का जरूरत क्या है? और रोड से कितना दूरी है? 30 फीट। ये कोई दूरी 30 फीट जी, ऐसे तो दस से 3 किलोमीटर अंदर है। अब तो 10 फीट की इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घटे तो रोड होंगे। जब मूर्ति स्थापना रोड पे नहीं होगी क्लियर कट बात है कि रोड पे नहीं रखी जाएगी। आपको अगर स्थान लेना है आप दे सकते हैं वैकल्पिक स्थान, एडीएम साहब या एसडीएम साहब से परमिशन लीजिए। वैकल्पिक स्थान अपना स्वयं का चुनिए जहाँ कोई विवाद ना हो, वो वैकल्पिक स्थान चुनेगा तो परमिशन मिला लीजिए आपकी मूर्ति स्थापना हो जाएगी। लेकिन रोड पे मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे आप, क्लियर नहीं जाएगा। और उसके जो भी निर्देश है कि आने जाने के खाना लोगों ने वहाँ से लिया है सब ध्यान रखते हैं। और उन्होंने आप प्रशासन जो करेंगे बिना अनुमति के कुछ न करें अनावश्यक ध्यान दें ताकि आपको भी असुविधा ना हो और हम आपको किसी तरह से सहयोग दे सकें। और ये मैं बार बार दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अगर किसी के द्वारा किया जाए तो बड़ी कठोरता से उससे निपटा भी जाएगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का पत्र है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पास में निकला हुआ है। आप पहले तो फोटो खुद आपको दे देंगे, सब लोगों को कॉपी भी दे देंगे। इसमें कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसमें प्रतिबंध के साथ जवान बनाने की छूट दी गई है। तो जवान के लिए आप लोगों को मुख्य प्रतिबंध है जैसे रोड पर मूर्ति या नाजे ना रखा जाए, ये रोड पर ना रखा जाए। परंपरागत तरीके से जहाँ रखा जा रहा है वहाँ रखा जा सकता है लेकिन वो रोड नहीं होनी चाहिए। और अगर उस जगह को आप चेंज कर रहे हैं किसी जगह दूसरी जगह ले जाके रख रहे हैं तो उसकी परमिशन बकायदा ले लें ताकि जो है उस जगह पर विवाद ना जाए, साहब इस जगह को नहीं रख सकते। दूसरा, मूर्ति विसर्जन में ट्रैक्टर और स्त्री की चीज यूज ना करें, छोटे वाहन यूज करें, ट्रक और ट्रैक्टर यूज ना करें, इससे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, वो यूज ना करें ताकि दिक्कत ना आएगी। यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। मूर्तियाँ जो भी रखी जाए वो खाली स्थान पर यथासंभव रखी जाए, पारंपरिक रूप से जो खाली स्थान है और खाली स्थान है उनका आकार छोटा रखा है और मैदान की क्षमता से अधिक लोग जुड़ा रहे हैं, ये क्लियर कहा गया है। COVID-19 के नियमों का पालन करें, बार बार कहा जाता है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, सभी लोग आप मान ही रहे हैं। अब हर आदमी को डर लगता है तभी जब बीमार होता है, मेरे को खांसी नहीं होती तब तक मेरे को डर नहीं लगता, मैं बहुत आराम से मतलब घूमता रहता हूँ, वहाँ पर कॉफी भी जाता हूँ, मेहनत करता हूँ। लेकिन जैसे खांसी होगी सीधा मेरे दिमाग में आता है कोविड के लिए, तो जब तक चीज सामने आती नहीं। अभी मंदिर भगवान से स्मरण तभी करते हैं जब कोई दुख आता है अल्लाह से ज्यादा भी। तो ये कोविड ऐसी चीज है जब तक होता नहीं है तब तक लगता नहीं, और जब होता है तो कभी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, COVID-19 के सभी नियमों का पालन करें। 6 फीट की दूरी जरूर आपस में रखनी है, जो कैसे रखेंगे तो मुझे थोड़ा सा जैसे आप लोगों का डाउट हो रहा है कि सरकार की दूरी बड़ी मुश्किल से रखी जाती है, लेकिन सामाजिक दूरी आप लोगों को रखनी है। यह आयोजकों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक दूरी का पालन हो, यह आयोजकों की जिम्मेदारी है कि सभी लोग मास्क पहनें, यह आयोजकों की जिम्मेदारी है कि सभी लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करें, और यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी है कि एक CCTV कैमरा उसी परिसर में लगे ताकि रिकॉर्डिंग होती रहे, हम देख सकें कि साहब आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के जवाब मनाया नहीं मनाया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, विसर्जन स्थल पर जाने के लिए तो विसर्जन के लिए मूर्ति लेके जाते हो छोटे वाहनों से ले जाए, और उसमें भी भीड़ कम हो यानी लोग कम हो, न्यूनतम लोग ही जाए, जितनी जरूरत है जितनी आवश्यकता है उतने लोग ही जाए, ये कुछ हृदय से सभी आगे आने वाले त्यौहार के लिए। और इसमें आप लोग इस निर्देशों का पालन करें, और इसका अभी भी इलाज हम लोगों के पास नहीं है, बचाव ही से इलाज है। और इसमें इस वायरस का कुछ खूबी है, कुछ वायरस का खराबी भी है। वायरस का खूबी क्या है, ये सबसे कमजोर माना जाता है, बिकॉज इसका फेटल रेट बहुत कम है,
यानी मान लीजिए बाकी वायरस होता है, कोई खतरनाक वायरस होता है, वो सार्स वायरस बाकी वायरस होता है, तो इसमें 40% लोग मर जाते हैं। मान लीजिए 100 लोगों का वायरस हो गया, 40 लोग मर जाते हैं, बट इसमें भी मरते हैं, बट 2% लोग मरते हैं। बट इसपे खराबी क्या है, इतने तेजी से फैलता है, ऐसे वायरस कोई जिंदगी में नहीं देता। ताकि इसी कमरा में कोई बैठा है ना, हम लोग इस पर कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है तो मास्क नहीं पहनना, तो जरूर उनको पॉजिटिव होता है। हम भी तो फिर हम तो इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी हम भीड़ के बीच में तो जाना ही पड़ता है, मेरा मजबूरी है, जैसे देव जाते हैं, थाना देव जाते हैं, कहीं जाते हैं, इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी हमें नहीं पता कैसे आया है। आपको बुलाया है कि ये हमेशा ये वायरस है, ये ट्रांजिशन पीरियड के अंदर यानी सीजन का जो बदलाव का जो बीच में जो मौसम होता है ना, बहुत खतरनाक मौसम है। मान लीजिए जाड़े पीक में होता है दिसंबर जनवरी में, उस समय में किसी का सर्दी नहीं लगता, ज्यादा परेशान नहीं होता, आप एक्सपोज नहीं होना चाहिए। पर इस समय में जो अक्टूबर नवंबर होता है ना, इस समय में जो मौसम ऐसे बदलाव आता है, वैसे ही मामूली आपका जो जुकाम है, बुखार है, जो वायरस रिलेटेड बीमारी है, वैसे ही फैलता है, बढ़ता। ये पूरा प्रकृति का एक साइकिल है, ये ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। एंड हो भी गया है, पिछले एक सप्ताह के अंदर सभी यूरोप देश में पिछले जो कोरोना पीक के ऊपर पहुंच गया है, वो वजह सीधे सीधे वायरस का टेम्परेचर से संबंध है, सीधी संबंध है। 8 लाख जनसंख्या तक हम पहुंचे नहीं पिछले 8 महीने, भारत में क्या महीने में एक त्योहार दो त्योहार तो हो ही जाता तो ठीक है, वो मामले तो उसे निकल जाता है। अक्टूबर नवंबर ऐसे 2 महीने हैं, रोज त्योहार इस पे, अंत त्योहार इसलिए तो पहले सोच समझ के रखा है, भाईचारा बढ़ेगा, मिलेंगे जुलेंगे, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, सारे चीज से वो तो उसी के हिसाब से बना के रखा है। बट वही चीज हम लोग का भी खतरनाक हो जा रहा है। अब इस पे जो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, लेकिन किसी आस्था का आप कोशिश करने की स्थिति में नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, ताकि आस्था ही आदमी को बचाता है, आदमी तो उसी विश्वास से ही काम करता है। हम लोग इसलिए जारी रखते हैं, जो भी धर्म का हो, जो भी किसी वर्ग का हो, वो तो ठीक है, अपने आस्था का हो जारी रखें, अच्छी बात है। बट वो अपने आस्था, अपने जान बचाने में, अपने परिवार जान बचाने में, और लोगों को जान बचाने में होना चाहिए था, उल्टा किसी की जान लेने में नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, ये जो भी त्योहार कराते हैं, यथासंभव घर पे करिए, आपका घर का अंदर करिए, साफ सुथरी करिए, अंदर के लिए बहुत बढ़िया। यदि आप ठीक है परंपरागत रूप से कराते आ रहे हैं, उसको भी जो कप्तान साहब ने और एडीएम साहब ने बहुत डिटेल में बताया, साक्षर ने देखिए आपका आस्थाएं जारी रखने चाह रहे हैं, ताकि ये परंपरा हजारों साल में चले आ रही है, ठीक है सरकार चाहती है ठीक है आपका उस पर इंटरफेयर ना करें, ताकि हर गवर्नमेंट का एक सीमा होता है, उसका ज्यादा मदद जा नहीं सकते। बट हम असल नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, हम लोगों की जिम्मेदारी है हमारा साथी को बचाना है। उसको कैसे बचाए, हम लोग तो ठीक है, हम तो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन को लिख के दे देंगे, बट मौके पे आप लोग रहते हैं। इसको देखिए कोरोना कोई नहीं पहचानेगा, तो डीएमए के पीएमए सीएमए कोई भी, कोरोना आएगा तो सभी का आएगा। एंड वहां मान लीजिए आप यदि जाने अनजाने में वहां जो जागरूक पहुंचाने वाले भी मास्क नहीं पहन पाए ना, उन्हीं की वजह पूरे पंडाल में आने वाले हो जाता है। मतलब ताकि केवल हम लोग साफ सुथरी तंदुरुस्त रखने में नहीं, दूसरे के कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे उनको सुरक्षित रखेंगे, वैसे हम बचेंगे। इसलिए तो केवल अकेले बचाव में नहीं है, हम सभी को बचाना है, उसे कैसे करें, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, त्योहार में निम्न भीड़ से जो भी कर सकते हैं करिए, एंट्री एग्जिट और 6 फुट का दूरी और मास्क, यही दो चीज से बहुत सारे देश अपने नागरिक को बचाए। देखिए अब तक कोई वैक्सीनेशन ट्रायल में चल रहा है, रशिया ने बताया तो ठीक है कोई वैक्सीनेशन कर दिया, बट अभी भी अप्रूव नहीं मिला है उसका। भारत के अंदर 4 वैक्सीनेशन का टीकाकरण के बारे में रिसर्च चल रहा है, गोरखपुर में भी एक राणा अस्पताल में रिसर्च चल रहा है, हम लास्ट फेज में है, बट रिसर्च सफल भी मिलेगा तब भी 6 महीने लगेगा वो वैक्सीनेशन तैयार होने में, फिर लगने में और 6 महीने लगेगा, मतलब मान के चलिए अगले 6 महीने टीकाकरण नहीं होने वाले। इसको केवल एक ही चीज से बचाव है। आप देखिए बहुत लोग ये भी गलत फहमी है यार, हम तो तंदुरुस्त है, कम उम्र का है, आएंगे तो बचाएंगे, बच तो जाएंगे पर उसका असर आपका पूरा लाइफ में रहेगा। इसको एक अंदाजन एक एस्टिमेट बता रहे हैं, कोविड आने के बाद आपके जिंदगी में 10 साल गायब हो जाता है आपको, यानी उसकी इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा आपको अभी नहीं पता है।
बहुत लोगों का खून जम जाता है, किडनी में प्रॉब्लम होती है, फेफड़े में जमा हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर उसको रिसर्च अभी भी चल रहा है, नहीं पता है क्या होने वाले, अब बस बच के तो निकल जाएंगे आदमी, और उसके बाद उसका असर पड़ेगा काफी लंबे समय तक। इसलिए आने के पहले बचाएंगे, अब ये आने से बची जो बीमारी को कैसे बचा सकते हैं, बचिए। इस साल क्या है, हम लोग को त्योहार फीका हो जाएगा तो कौन सी बिगाड़ने वाले, अगले साल पूरे धूमधाम आएंगे, कोरोना भी खत्म हो जाएगा, है ना। बट अभी तो इसको अब तो वही जज्बात के साथ हमेशा आप जोड़ के कहते हैं यार हम परंपरागत करेंगे, मने तो नुकसान किसको होने वाले, तो नुकसान तो हम ही को होगा, तो उससे क्या हम साबित करने वाले। भगवान भी नहीं चाहते, मैं कह रहा हूँ भगवान भी बोल किसी आदमी को तकलीफ देना नहीं चाहते। आपसे यही तो मैं निवेदन करता हूँ, ये जो टर्म्स कंडीशन वाले हम लोग दे रहे हैं, पर सभी नागरिक ऐसे कप्तान ऐसे डीएम काम कराना होगा, हम सभी लोग का सवारी है आगे आकर के इसी बीमारी के साथ लड़ना होगा, तब हम ये बीमारी से बच के रह पाएंगे। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। ये शांति सद्भावना समिति के साथ हम लोग मीटिंग लिए हैं, गोरखपुर का ये समिति है, हमेशा हम लोग का सहयोगी के रूप से काम करते हैं, करते आ रहे हैं, इसलिए तो हम लोग इतने कितने भी कठिना होता है यहाँ गोरखपुर में शांतिपूर्वक हम लोग उसको मिल के निस्तारण कर देते हैं। और इसी का आज हम अपील किए थे ताकि जो आने वाले त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार हैं, ये जो दुर्गा पूजा से लेके फिर आप लोग जो भाई दूज तक का, तो पूरे नवंबर का त्यौहार है, इस पर बहुत भीड़ भाड़ होने की संभावना ज़्यादा है, और ख़ासतौर पे इस मौसम में ये जो कोविड का जो प्रकोप बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अपील किए हैं ताकि इसको त्यौहार का तो न्यूनतम लेवल पे कर लें, मिनिमम लोग के साथ कर लें और भीड़ भाड़ ना कराएं। और कोविड प्रोटोकॉल शासन ने जारी किया, उसको बहुत विस्तार से हम लोग डिटेल में समझाया, और बहुत लोग सहयोग भी किए हैं, मान भी लिए हैं, उम्मीद करते हैं इसी त्यौहार के समय में कोई ये कोविड का प्रकोप ना बढ़ जाए। यदि आपको जो जगह है उस पर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर पाएंगे, और यदि आप मूर्ति का जो साइज़ है, स्थापना है, सारे चीज़ को पालन कर पाएंगे, तब अनुमति मिलेगा। नहीं तो